दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हैशटैग क्रिप्टो चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवलांचे ब्लॉकचेन का जो खुद का लॉन्चपैड है उसमें हम केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि अवलांचे ब्लॉकचेन या अवलांचे लॉन्चपैड पे जो भी आईडीओ होने वाला होगा फ्यूचर में आप उसमें आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं अभी क्रिप्टो फील्ड में, तो जो भी इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप हमेशा ध्यान से देख लें, एक बार कंफर्म कर लें। इन लोगों ने ऐसा मैसेज भी यहाँ पे ये करके रखा है पॉपअप मैसेज, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा। और इसकी जो है केवाईसी के लिए आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगा, जैसे कि आपको इस वॉलेट कनेक्ट करना होगा। अवलांचे का जो आपका वॉलेट एड्रेस है उसके वॉलेट करने के लिए दोस्तों अभी जो लैपटॉप आपका होगा, अगर आप लैपटॉप में ये यूज़ करेंगे तो लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका ये जो मेटामास्क है उससे, इनका ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको ये मोबाइल में कॉन्फ़िगर करना होगा मेटामास्क को। तो या आप ये अगर जानते हैं कि मोबाइल में आप ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख के सिंपल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा इसका आपको RPC जो कस्टम ऐड करने होंगे जो इसका अवलांचे सी चेन का है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल जो है उस पर दोनों जगह पर मैं दे दूंगा, आप वहाँ से कस्टम RPC ऐड कर सकते हैं अवलांचे सी चेन का ब्लॉकचेन है उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब करने के बाद जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो मतलब आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए 3-4 स्टेप्स है, जैसे कि रजिस्टर एंड KYC है, वेरीफाई वॉलेट है, अलोकेशन एंड स्टेकिंग, उसके बाद रजिस्टर फॉर सेल, ये सारा स्टेप्स है। तो हमको आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए पहला इसका जो स्टेप्स है वो KYC प्रोसेस है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करने हैं KYC के लिए। तो जैसे ही KYC पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नए जो है विंडोज़ ओपन करके यहाँ पे आपको ले जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सिंपल अकाउंट नहीं है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपका प्रोफाइल नहीं है, तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है सिंपल, और आपको अपने नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ये सब करके आपको जो है ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट है तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन के लिए ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैंने लॉगिन कर लिया। उसके बाद आप सिंपल स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये KYC स्टेटस के लिए ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, पहली बार जब आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि कनेक्ट योर वॉलेट करके, कनेक्ट वॉलेट करके ऑप्शन आएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मेटामास्क का जो है इस पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप अगर पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे किए होंगे तो उसको इनपुट करके सिंपल कन्फर्म करके यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया, जैसे आपको इस तरफ एक पॉपअप ऑप्शन आते हैं कन्फर्मेशन के लिए वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे इस कॉल ऑन करके आएंगे कि वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपका वॉलेट ऑफिशियल कनेक्ट हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए आपको सिंपल ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल यहाँ पे दिखाएगा। तो ये मेरा ऑफिशियल जो है वॉलेट एड्रेस है। इसके बाद आपको सिंपल स्क्रॉल ऑन करके नीचे आना है, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में वेरिफिकेशन होगा, पहले कह रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बाद फेस वेरिफिकेशन होंगे, तो हम स्टार्ट वेरिफिकेशन पे इसके बाद क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके पास है, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सेलेक्ट करने वाला हूँ तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी है जैसे कि पासपोर्ट है या नेशनल ID तो वो कर लेंगे, तो इस पर हम ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद टेक ए फोटो या फिर अपलोड ए फोटो जो भी आपके पास है वो कर सकते हैं, तो हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इसके कंडीशंस हैं कि आपका जो इमेज है या वीडियो है वो ब्लर नहीं होने चाहिए, या फिर उसको फोल्ड करके आपको नहीं अपलोड करने हैं या वीडियो या फिर फोटो क्लिक करने हैं, या फिर कह रहा है कि ग्रेसी स्केल डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा और पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, ये सारा कुछ इनका टर्म्स एंड कंडीशन है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फ्रंट साइड और बैक साइड का जो फोटो है उसको क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यस एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है जो भी इमेज है, इमेज अपलोड हो गया है दोस्तों। इसके बाद एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड लास्ट नेम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सब अभी हो रहा है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। लास्ट नेम भी एक्सट्रैक्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ ये अभी फाइंड आउट कर रहा है, तो ये कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर अब डेट ऑफ बर्थ एक्सट्रैक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट नंबर ये सब हो गया यहाँ। उसके बाद आप सब यहाँ सारा डिटेल्स खुद से खुद शो करेगा कि आपका जो भी है ये खुद एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सक्सेसफुली, अभी स्टार्ट जो है फेस वेरिफिकेशन करना है, तो फेस वेरिफिकेशन के लिए शायद ये पॉपअप मुझे ऑफ करना पड़ेगा।
डॉक्यूमेंट्स है जो आपका डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी ये एरर्स आ जा रहा है, कभी आपका फादर्स नेम या एड्रेस भी इनपुट कर दे रहा है इसमें। तो आपको इसको अच्छे से डिटेल्स देख लेना है, उसके बाद प्रोसीड करना आगे का। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो फेस वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट्स का पहले ही फोटोग्राफ्स क्लिक करके रख लेने हैं, नहीं तो फिर आपको ये बहुत टाइम ले रहा है ये वेरिफिकेशन करने में। अपना फोटोग्राफ्स अपलोड करके यहाँ पे यस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर इसके पिछले वाले जो टैब था उसमें आप जब करेंगे, वहाँ पे आप नेम जो भी एक्सट्रैक्ट करेगा उसको आप खुद से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ गलतियाँ होगा उसमें तो आप खुद से एडिट करके कंटिन्यू कीजिएगा। फोटोग्राफ्स अपलोड हो रहा है। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये ऑप्शंस आ गया। इसके बाद KYC स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक कर लेना है, आपका जो वॉलेट है उसको वेरीफाई कर लेना है। तो सिंपल इस पे क्लिक करना है और वेरीफाई और वॉलेट पे उसके बाद क्लिक कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई और वॉलेट पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग हो रहा है। वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक कर रहा है आप। वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस टैब पे ये क्लिक करने के बाद जो था यहाँ पे आपको सिंपल जो आपका मेटामास्क है वो जो अवलांचे ब्लॉकचेन पे उस पर आना है और यहाँ पे साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, फिर से एक बार साइन इन, हम चूँकि दो बार कर लिए थे तो हम दो बार ये पूछ रहा है मेरे से, तो ये हो गया साइन इन। उसके बाद यहाँ पे वापस से जाने हैं, ये अपलोड आप देखेंगे कि साइन इन अप्रूव कर देंगे आप। उसके बाद इसको रिफ्रेश कर देंगे एक बार, फिर से मेरे पास ऑप्शन आया था, मैंने 3-4 दफ़ा कर दिया था। तो ये अप्रूव करने के बाद जब आप यहाँ पे वापस से जाएंगे, इसको एक बार हो सकता है रिफ्रेश करने पड़ेगा इस टैब को। उसके बाद आप देखेंगे कि वॉलेट इज़ वेरीफाइड हो गया है कि योर वेरीफाइड वॉलेट एड्रेस इज दिस वन। तो ये आपका ये हो गया। अब रजिस्टर एज वैलिडेटर ये सब आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद